गुरु जी, क्या है एग्जैक्टली सात कहानी आप लेके आ रही है? तो पहले तो आइडियाज के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा आइडिया सिर्फ हॉलीवुड में ही हमने देखा या तो वर्ल्ड सिनेमा में देखा है, इंडिया में शायद पहली बार हो रहा है सात स्टोरी एट अ टाइम। एंथोलॉजीज होता है इंडिया में, बट जनरली चार या पांच होता है। तो हमारी सात है एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्स एंथोलॉजीज इन इन द कंट्री। इट्स द बिगेस्ट मोस्ट डिवर्स कॉन्टेंट। सात नए फिल्म मेकर, सात बहुत सुंदर कहानियाँ, encompassing जिंदगी, the whole जिंदगी in short. So we are excited to bring this on Flipkart Video. तो exactly क्या है, मतलब कहाँ से कहानी का flow निकलेगा और कहाँ तक उसकी मतलब journey है? शुरुआत होती है एक बच्चों की कहानी से और ये all the way एक older woman की कहानी तक जाती है, एक housewife की कहानी तक जाती है। But you know actually ये बहुत मज़ेदार सात फिल्में हैं। हम ऐसे हम weave करना चाहें और एक वो थ्रेड बांधना चाहें तो हम बांध सकते हैं। मतलब जनरली बहुत खूबसूरत पलों की कहानी है ये इन जिंदगी। मतलब ये आइडिया कैसे सूझा आपको? बहुत यूनिक आइडिया है, थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है। आई एम श्योर ऑडियंस एज पे रहेगी कि क्या दिखा रही है। हमें कुछ शॉर्ट फिल्म सुनानी थी। थोड़ा एक आजकल सबके हाथ में मोबाइल है, लोग मोबाइल पे शूट करते हैं, मोबाइल पे कॉन्टेंट कंज्यूम करते हैं। तो हम फ्लिपकार्ट के साथ कुछ 15 मिनट शॉर्टर का कॉन्टेंट, एक मोबाइल कॉन्टेंट बनाने के लिए निकले। उस तरह से हमने ये कहानियाँ क्यूरेट की, प्रोड्यूस की। मुरी जी, आपके जो फिल्में हैं जो बड़े पर्दे पे लगे, सिल्वर स्क्रीन पे, मतलब लंच बॉक्स ले लो, शैतान ले लो, मतलब सभी फिल्मों ने क्रिटिक, ऑडियंस और फिल्म फेस्टिवल में मतलब तहलका मचा दिया कि अभी गुनीत मोंगिया प्रोड्यूसर ओहो जो अलग फिल्में लेके आती है, ये एक जो आपने अपने लिए एक नीश तैयार किया, तो कितना सारा हार्डवर्क रहा इस चीज़ के पीछे अपने नाम तैयार करने में? शॉर्टकट टू वर्क, मतलब आप हर रोज़ उठकर काम करते हो, उम्मीद करते हो कि आपका काम सराहा जाए, लोगों से देखा जाए, प्रशंसा मिले। तो देर इज नो शॉर्टकट, द ओनली की इज टू कीप वर्किंग। सो या गुड डेज, बैड डेज, एवरी डे यू कीप वर्किंग, मेकिंग वन मोर थिंग, पुशिंग। एंड आज 10 साल में पीछे देखकर लगता है कि हाँ काम किया, बट मुझे तो लगता है कि मैंने सिर्फ शुरुआत ही की है, बहुत काम कर रही हूँ। पर आपकी फिल्मों का कंटेंट भी काफ़ी अलग रहा, तो कंटेंट के लिए आप कितना सारा मेहनत करती है, किस तरह से? जो पसंद आता है वो करती हूँ, जो समझ आता है, जो पसंद आता है वो करती हूँ। ऐसे कुछ सोच के नहीं करते हैं, कुछ अलग करना है, जो पसंद आता है वो करते हैं। तो फिर ऑडियंस से कनेक्ट होता है, तो रिलेटेबल, मोर एंड मोर रिलेटेबल, मोर एंड मोर कॉन्वर्सेशन जो दुनिया में देखते हैं उसी पर रिएक्ट करते हैं। आप पहली महिला है जिनको ऑस्कर मिला था अपनी डॉक्यूमेंट्री के लिए, तो जब आपको ये पता चला कि आपको ऑस्कर मिल रहा है, तो क्या कुछ पहली रिएक्शन रही आपकी? बहुत ग्रेटफुल। मुझे ऐसा लगता है कि कहानियाँ हमें चुनती हैं, ऐसा नहीं है कि हम कहानियों को चुनते हैं। तो बहुत ग्रेटफुल हूँ कि बीर एंड ऑफ सेंटेंस का मैं हिस्सा भी रही, प्रोड्यूसर भी उससे। और आई होप और कहानियाँ मुझे चुने और मेरे थ्रू दुनिया में आए। मुझे जहाँ तक पता है, मतलब अभी तक जितना मैं जानती हूँ, आप इकलौती ऐसी महिला प्रोड्यूसर है जो कि आदमियों की दुनिया में एक अपना निश उन्होंने तैयार किया है। इतना ही नहीं बल्कि मतलब आपकी फिल्में, आपका सिलेक्शन, आपकी स्टार कास्ट बिल्कुल एकदम अनोखी होती है और कैरेक्टर को स्टिक करती है। तो ये जो सोच आप रखती है या तो जो कुछ सोचती है किसी प्रोजेक्ट करने से पहले, तो क्या कुछ शेयर करेंगे, कुछ आइडियाज़ या क्या प्रोसेस होता है आपका, थॉट प्रोसेस? मतलब ऐसे नहीं सोचती हूँ, इतना जरूर सोचती हूँ कि कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम विमेन को कैसे पोर्ट्रे करते हैं अपने कॉन्टेंट पर। कहीं ना कहीं ऐसे पुराने जो नैरेटिव हम पर लगे हुए हैं कि विमेन पैसे नहीं समझ सकती हैं या वो घर का काम करती हैं, तो वो थोड़े क्लीशेज ब्रेक करते हैं, जैसे कुछ नया करें, कुछ रिलेटेबल करें। आज मतलब अलग डिजिटल का इतना जो एक्सपेंस है, लोग सब कंज्यूम कर रहे हैं दुनिया भर का कॉन्टेंट। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी अवेयर, इट्स इम्पॉर्टेंट टू बी यंग, इट्स इम्पॉर्टेंट टू बी रेलिवेंट, टू कंटिन्यू टू बी रेलिवेंट। इस शॉर्ट फिल्म्स के बाद में आप क्या कर रही इस शॉर्ट फिल्म्स के बारे में? इसके बाद में आप क्या कर रहे हैं? एक फिल्म बनाई है पगले, सानिया मल्होत्रा के साथ। वो है जब लड़की लोगों को अकल आती है तो दुनिया वाले पगले नहीं बोलती। वो उसमें मैं एकता कपूर के साथ काम कर रही हूँ एंड शी हैज़ सपोर्टेड द फिल्म। एंड अभी भी मैंने एक साउथ में फिल्म बनाई है तमिल में विद सूर्या, द सुपरस्टार सूर्या, एंड वो भी 2 महीने में आ गई। तो बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा काम हो रहा है एंड आई कांट वेट टू ब्रिंग ऑल ऑफ दिस आउट एंड आई कांट वेट फॉर पीपल टू सी जिंदगी इन शॉर्ट ऑन फ्लिपकार्ट वीडियो। नीचे से राइट, फ्लिपकार्ट का मेन ऐप है, नीचे से राइट ऑन 19th ऑफ फेब्रुअरी। थैंक यू। थैंक यू।